दिल्ली में कोरोना की दहशत का ग्राफ हर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर को अब भी जो हल्के में आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर देखना बहुत जरूरी है। जनवरी के शुरुआती 11 दिनों में कोरोना से इतने मरीजों की मौत हो चुकी है कि कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। 12 दिन में दिल्ली में कोरोना से 133 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में कोरोना से 97 लोगों की मौत हुई, यानी पिछले 4 दिनों में रोजाना औसतन करीब 25 लोगों की मौत हुई है। ITO पर दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान के इंचार्ज का कहना है कि वो अब कोविड बॉडी को नहीं दफना रहे हैं, क्योंकि अब कब्रिस्तान में जगह नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो अब जनवरी के 11 दिनों में जो मौतों का आंकड़ा है वो 93 तक पहुंच गया, यानी हर रोज तकरीबन 20 लोगों की मौत हो रही है। यही वजह है कि ITO स्थित दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में इस वक्त जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं उन शवों के लिए जिनकी मौत कोविड से हुई है, क्योंकि इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब कोविड शवों को दफनाने की जगह नहीं बची है, लिहाजा वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोई नई जगह दी जाए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 27,561 नए केस आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 26.22% पहुंची। 5 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 87,445। कोरोना का ये आंकड़ा बताता है कि दिल्ली इस वक्त कैसे महामारी के भयंकर संकट से जूझ रही है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और अब तो आंकड़ा 27,000 को पार कर गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की पीक इसी हफ्ते आ सकती है। अब सवाल है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर होगा, उस दिन दिल्ली में कोरोना के कितने केसेस होंगे और पॉजिटिविटी रेट क्या हो, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना जब पीक पर था तो 20 अप्रैल 2021 को दिल्ली में एक दिन में 28,395 केस आए थे, जबकि 22 अप्रैल को दिल्ली में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% के उच्चतम स्तर पर था। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। अभी सिर्फ अनुमान है कि दिल्ली में जल्द ही कोरोना का पीक आएगा और उसके बाद केसेस घटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोरोना ने दिल्ली को फिर सख्ती बरतने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस पूरी तरह बंद है, वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी आदेश के तहत शहर के रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। अब सवाल ये है कि अगर कोरोना का पीक आता है तो क्या दिल्ली इससे भी ज्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगी? ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर में जो खास बात सामने आई वो ये कि दिल्ली के LNJP में भर्ती होने वाले मरीजों में 80% फुल्ली वैक्सीनेटेड है, यानी 20% ऐसे मरीज हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उनके लक्षण हल्के हैं। जब से अप्रैल में वेव आई थी, उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे, लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज्यादा कम है, तो पूरे दिल्ली में आज जो 2,500 के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। इसके अलावा घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन से लेकर इंटरनेट योगा क्लासेस के अलावा मेडिकल किट की भी होम डिलीवरी करा रही है। देश की राजधानी में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार उन तक किस तरह राहत पहुंचा रही है, इसके लिए हम पहुंच गए हैं साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली की एक डिस्पेंसरी के भीतर, और यहाँ पर मेरे
आसपास आपको ये दवाइयां नजर आ रही होंगी और साथ ही साथ एक कोरोना मरीज को जो जरूरत होती है उसके लिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। डॉक्टर नमिता बताइए कि एक किट में आप क्या क्या कोरोना मरीज तक सामान पहुँचाते हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं? ये पैरासिटामोल टैबलेट है 500 mg का, इसकी एक किट देते हैं हम लोग, ठीक है। और एक जुकाम के लिए सेट्रजिन टैबलेट सेट्रजिन है, और विटामिन सी ये प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, और मल्टी विटामिन है, मल्टी विटामिन भी दिया जाता है, और जरूरत पड़े तो हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ये भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ऑक्सीमीटर भी मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लेवल उन्हें बता दिया जाता है चेक करके। हमारे जो सीडी भी जाते हैं वो बता देते हैं कि कब उनका लो होता है, तो उन्हें कॉल करना है 102 पे या हमें संपर्क करें। ये पाउडर किस तरह का है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, क्योंकि मास्क तो आप दे ही रहे हैं? हाँ, मास्क भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को, और ये ग्लोव्स है, ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर है जो पेशेंट को ये मास्क सैनिटाइज करने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। 10 लीटर पानी में उसको 2 चम्मच डाल के उसमें ये मास्क को चेंज करना होता है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब चरम पर पहुंच रही है, ऐसे में बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और सबसे बड़ी बात कि अगर ओमिक्रॉन वाली इस लहर में कोरोना हो भी जाए तो उसे नॉर्मल फ्लू समझने की गलती ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आज तक ब्यूरो।